अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अक्सर और आप देख रहे हैं फूडिट विद अक्सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और मैं आज आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट में किस तरीके से कढ़ाई बनाई जाती है और कितनी स्पाइसी होती है। आज मैं आपके साथ थोड़े से मसालों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। रेसिपी का आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें हमने ऐड कर देंगे 1/2 kg चिकन, 1/2 kg करने के बाद आपने कुछ इस तरह से कच्ची पकी सी चिकन फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 kg के करीब टमाटर। टमाटर जो है बिल्कुल आपने लाल लेने हैं और जितनी आपके लाल और अच्छे टमाटर होंगे इतनी स्पाइसी और इतनी ही टेस्टी आपकी कढ़ाई रेडी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट ये होता है कि आपने कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आपने जो टमाटर डाले हैं वही पानी छोड़ेंगे। कढ़ाई चलाने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर और हसब ज़रूरत नमक। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतने बड़े बड़े टमाटर ऐड किए हैं। अक्सर कढ़ाई में इतने ही बड़े टमाटर ऐड किए जाते हैं, छोटे बिल्कुल नहीं डाले जाते। अब इसे आपने हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने ढक देना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने टमाटरों को अच्छे से फ्राई कर लेना है कढ़ाई के साथ। मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को हमने अच्छे से कुक कर लिया था। अब इसे हमने इस तरीके से टमाटरों को घोटना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे तो टमाटर गल जाते हैं, बस आपने इस तरीके से करना है, नरम हो जाते हैं टमाटर। आपने 1 से 2 बार इस तरीके से करेंगे और टमाटर अच्छे से घुट जाते हैं। तो जी जनाब, आप देख सकते हैं टमाटर को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट और ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब चलते हैं हम अपने कढ़ाई के मसाले की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया ऐड करने के बाद अब इसमें आप ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बादियन के फूल, मैंने 1 लिया है, आप कढ़ाई के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ गोल मिर्चें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक गोल मिर्चें ले सकते हैं कम ज़्यादा। इन सब मसालों को आपने कर लेना है ब्लेंडर और याद रखिए कि आपने बिल्कुल बारीक मसाला नहीं करना, थोड़ा मोटी टाइप का मसाला रखना है। मैंने मसाला जो है इमामदस्ते में कूटा था, मुझे मोटा चाहिए था तो इसलिए मैंने इमामदस्ते में रखा था। आप देख सकते हैं मसाले को मैंने बिल्कुल भी बारीक नहीं करा। अगर आप ब्लेंडर में पीस रहे हैं तो उसे मोटा रखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर गए थे, हमने कढ़ाई का मसाला रेडी कर लिया है और कढ़ाई भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ऑयल भी रिज्यूम हो चुका है और इसे आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट गुजर जाने के बाद अब इसमें हमने ऐड कर देना है कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से चलाना है और चलाने के बाद आपने फ्लेम को कर देनी है ऑफ। आप देख सकते हैं चंद इंग्रेडिएंट्स से कितनी जल्दी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चंद मसालों से हो जाती है आपकी कढ़ाई रेडी और इतनी स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। रेस्टोरेंट पर भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की जाती है, इसी तरीके से रेडी की जाती है। अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट। फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब कढ़ाई का हमने कर लेना है थोड़ा सा मेकअप। हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुछ स्लाइस अदरक के डाल के आपने इसे कर लेना है मेकअप। अब एंड में हम स्प्रिंकल कर देंगे कढ़ाई मसाला। तो जनाब, आप देख सकते हैं लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई। घर पे भी आप इसी तरीके से कढ़ाई रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन के तैयार होती है। ये दिखने में लाजवाब लग रही है, इतने खाने में कई ज्यादा टेस्टी होती है। अपने घर पर लाजमी ट्राई करेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करेगा।
यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छे से समझ आई होगी। लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।